जय हिंद कृष्णा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड समझाने जा रहे हैं। पहले के कुछ वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कुछ समझा भी चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2007 को जहां तक बता दिया गया है उसके आगे समझाएंगे, ठीक है। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना सभी को पता है, जिसको नहीं पता है वो पहले के जो बने हुए वीडियो हो उनको आप देख सकते हो, ठीक है। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2010 सन 2007 सेम ही चलता है, बस थोड़ा बहुत कुछ अंतर है। आप एक को भी समझ लेना, एक को भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आप फिलहाल में सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू हो गया है, यानी कि ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम जो भी हमारे टूल बार, मेनू बार, स्टेटस बार, वर्क एरिया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार, हम टोटल सभी कुछ बता चुके हैं, ठीक है। फिलहाल बेसिक जो भी था वो हम सब बता चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमने बताया कहाँ तक है, ठीक है। तो हम पीछे के वीडियो में आपको यहाँ तक बता चुके हैं, यानी कि जो पैराग्राफ ग्रुप्स है यहाँ तक आपको बता दिया गया, ठीक है। पैराग्राफ जो ग्रुप्स है यहाँ तक बता दिया गया, लेकिन इसी पैराग्राफ ग्रुप्स को आधा बताया था। इस वीडियो में हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट पे हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पे कुछ लिख लिया है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, कई लाइनों में कर लेते हैं। देखो ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 लाइनों में कर लिया। अब जो ग्राफ पैराग्राफ्स ग्रुप्स है यहाँ से हम बताना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर माउस है यहाँ से। तो सबसे पहले इससे होता क्या है, इससे ये होता है जहाँ भी आप कोई भी किताब या कोई भी कॉपी जब भी देखते हैं, कभी कभी कॉपी नहीं किताब और जो पेपर हमारा होता है उसमें हमारे क्वेश्चन की जो, जैसे कि मान लिया गया है कि हाँ दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका मेन हेडिंग है उसमें तो नंबर पड़ा होता है, जो उसमें दो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, कहा जाता है इनमें से दो में से कोई एक कर सकते हो, उनके आगे जो डॉट लगा होता है वो इन्हीं में से किसी ना किसी तरह का लगा होता है। आप लोग देख सकते हो, ये भी हो सकता है, इस तरह का हो सकता है या ये हो सकता है। तो इन डोटों को आप इन लाइनों के आगे लगा सकते हो। आप वो पेपर, वो कॉपी यहाँ से बना सकते हो जिसमें इस डोट की ज़रूरत हो, वहाँ पर आप लगा सकते हो, इसलिए ये ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। इनको बुलेट्स कहते हैं, यानी कि बुलेट्स आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर सब में आपको लगाना है तो आपको इसे टोटल सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर जाना होगा और यहाँ से आप इस पे से जिस पर भी क्लिक कर दोगे वो सब में लग जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको कलर चेंज करना है डॉट का तब भी आप इसी को सिलेक्ट करो और यहीं पर जाओ और सबसे नीचे चेंज लिस्ट एंड डिफॉल्ट न्यू बुलेट्स लिखा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सिंबल में जाइए, यहाँ पर और भी कई डॉट्स आ जाते हैं, इनमें से आपको जो अच्छी लग रही है आप वो डॉट लगा सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है तो इस पर हमने क्लिक किया, ये यहाँ गया और इसको ओके कर देंगे। ये देखो डॉट इस तरह के आ गए रेड कलर में, ठीक है। वेरी गुड। अगर एक में लगाना है तो आप एक में भी लगा सकते हो और हटा भी सकते हो, नॉन कर सकते हो, हट जाएगा। एक में लगाना है उसके जस्ट सामने आप क्लिक कर दो और जाके एक डॉट लगा दो, सिर्फ एक लाइन में लग जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को अगर भूल जाओ तो आप बैक करके वीडियो को दोबारा देख सकते हो, ओके। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर है, जैसे कि हमको ये नहीं लगाना है तो इसको पहले हम हटा देते हैं, यही नॉन कर, नॉन कर दिया, ठीक है। अगर सेकेंड नंबर पर क्या है, सेकेंड नंबर पे 1 2 3 यानी कि गिनती, 1 2 3 के साथ में छोटा ब्रैकेट, ए बी सी डी के साथ में छोटा ब्रैकेट, कैपिटल ए बी सी डी, कैपिटल रोमन, स्मॉल ए बी सी डी बिना ब्रैकेट, स्मॉल रोमन, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई भी अगर एक में लगाना है किसी भी लाइन में तो उस लाइन के सामने सिर्फ क्लिक कर दो। ये देखो कर्जर यहाँ पर आ चुका है, बाद में आप यहाँ पर जाइए,
और आप इनमें से जिस पर भी क्लिक कर दोगे वो इसके सामने लग जाएगा। देखो यहाँ पर वन लिख कर के आ गया, ये देखो यहाँ पर देखो, ठीक है। अगर आपको सम में लगाना है तो आप पहले तो इसको नॉन कर दीजिए और उसके बाद टोटल को सिलेक्ट कीजिए, चाहे एक लाइन हो, 10 लाइन हो, 100 लाइन हो, कितना भी हो, आप टोटल सिलेक्ट करके सम में लगा सकते हो। अगर आपको सम में लगाना है तो माउस से ना सिलेक्ट करो, हम पहले बता चुके हैं, कंट्रोल ए दबा के आप आल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आल सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर जाने के बाद आपको इनमें से जो डॉट लगाना हो आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वही लग जाएगा। हमने देखो ए बी सी डी ई एफ लगाई हुई, तो एफ तक, ए से एफ तक लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये जो लास्ट में है, इससे क्या है, इससे जो हमारे नंबर हैं वो ही लगते हैं, लेकिन बस इसमें दिखाई देते हैं कि हाँ ये हेडिंग जैसी देखो जा रही है, वन लाइन में फर्स्ट रहता है, सेकंड लाइन में सेकंड रहता है, डबल डबल यानी कि जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी उतना नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है। आप इनमें से जिस तरह का लगाना चाहो उस तरह का लगा सकते हो, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हमने तीनों यहाँ पर बता चुके हैं, ये तीनों, ठीक है। इनको तीनों यानी कि तीनों से मल्टीवेल्स लिस्ट बुलेट्स है, ठीक है, ये तीनों हैं बुलेट्स ही, ठीक है। हाँ, नंबरिंग नंबरिंग बुलेट्स है, कोई बुलेट्स है, ठीक है, कोई मल्टीपल नंबरिंग बुलेट्स है, तीनों के अलग अलग, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, पहले ऊपरी लाइन में चलते हैं, पैराग्राफ यहाँ तक, पैराग्राफ ग्रुप से यहाँ तक, ठीक है, इसको हटा देते हैं, चाहे लगे रहने दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखो, एक में इधर डॉट बना हुआ है, एक में इस साइड डॉट बना हुआ है, तो सबसे पहले तो अगर इस टैक्स को आपको इधर बढ़ाना है, यानी कि इस टैक्स को राइट साइड ले जाना है, अभी ये टैक्स लेफ्ट साइड है, सिस्टम के सामने आप बैठे हो, आप खुद देख लीजिए, जो हाथ आपका सीधा है वही सिस्टम का राइट साइड होता है, जो हाथ आपका लेफ्ट है वही सिस्टम का लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो सबसे पहले अगर इधर बढ़ाना है तो आपको सेकंड वाले निशान पे क्लिक करना है, ठीक है, इंक्रेस एंड एंड, यानी कि इधर बढ़ाना है तो देखो हम जितना इस पर क्लिक करते रहेंगे ये उतना ही बढ़ता रहेगा, एक बार में टैक्स बढ़ता है, दोबारा में डॉट बढ़ता है, फिर से टैक्स, फिर डॉट बढ़ेगा। अगर फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं तो ये बैक लाने का काम करता है, देखो, लेकिन अब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही था तो इसको हम दबाते तो ये कोई काम नहीं करता, क्योंकि इधर जगह ही नहीं है बढ़ने के लिए। पहले इधर बढ़ाइए, फिर इधर बढ़ाइए, ओके, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये यहाँ पर इसका कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है फिलहाल, आप हेडिंग के पीछे जैसे पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड वगैरह के पीछे जो हेडिंग होती है तो उसके पीछे लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन इसमें आप जब भी इसको लगाओगे तो ये सब में लग जाएगा। इसकी शॉर्टकट भी कंट्रोल गुणे का चिन्ह है जो उसमें होता है, यानी कि जो कीबोर्ड में हमारे होता है उससे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो सबके पीछे एक इस तरह का निशान जैसा लग कर आ गया, ठीक है, सबके पीछे स्लो यानी हाइड, या तो आप हाइड कर दो या अनहाइड कर दो, हाइड दिख रहा है, ठीक है। फिर से हमें सेलेक्ट करना होगा, यहीं पर फिर से क्लिक करना होगा, अनहाइड हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये अंत कहीं से हटेगा भी नहीं, आपको जहाँ से लगाया है वहीं से हटाना, ठीक है। हाँ, अब इसी ग्रुप में नीचे आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, चाहे ना भी सेलेक्ट करिए आप, लेकिन कर लेते हैं। अभी सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारी पीली डॉट आ रही है, ये सेलेक्ट है। यहाँ पर जब हम माउस को रोके रखते हैं तो यहाँ पे अलाइन टेक्स लेफ्ट साइड, कंट्रोल एल, ठीक है। इसका कहने का मतलब है जो टेक्स है वो अभी लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड की शॉर्टकट की जो है, जैसे लेफ्ट की इंग्लिश है एल ई एफ टी, ठीक है, तो लेफ्ट का पहला अक्षर एल है, तो कंट्रोल के साथ एल दबाने की इसकी, यानी कि कंट्रोल के साथ जब एल दबाओगे तो ये टेक्स लेफ्ट साइड हो जाएगा। अभी ये लेफ्ट साइड ही है, ठीक है, तो पहले तो हम इसको सेंटर या राइट साइड करते हैं। सेंटर का मतलब है बीच में, राइट साइड का मतलब तो पता ही होगा, अभी ये लेफ्ट है, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वाले पे हम पहुंचते हैं तो देखो क्या लिखे आ रहा है, सेंटर, ठीक है, सेंटर टेक्स कंट्रोल प्लस ई, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस ई दबा दो, या आप जहाँ पर माउस है यहाँ क्लिक कर दो, ये टेक्स बीच में आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए हमने क्लिक किया है, पेज के दोनों तरफ बराबर फिक्स जगह छूटेगी, ये टैक्स हमारा कहाँ मिलेगा हमको, बीच में, ठीक है। अगर उसके इधर निशान पे हम माउस ले जाते हैं तो वहाँ पे लिखा आता है अलाइन टैक्स राइट, ठीक है, कंट्रोल प्लस आर, यानी कि राइट की स्पेलिंग है आर आई जी एच टी,
तो इसका फर्स्ट अक्षर होता है आर, तो कंट्रोल के साथ आर इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है, जिससे कि भूलो ना आप ध्यान से। ज़्यादातर शॉर्टकट की टेक्स्ट के यानी कि स्पेलिंग जो है, मीनिंग जो है, उसके फर्स्ट अक्षर से ही बनी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाते हैं। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल देखो राइट साइड आ गया। अभी हमने यहाँ क्लिक करके हटाया है, अब हम कंट्रोल के साथ ई दबा रहे हैं, देखो बीच में आ गया, कंट्रोल के साथ एल दबा रहे हैं, ये देखो आगे पहुँच गया, ठीक है। इस चीज़ को यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। सबसे पीछे यहाँ पर लिखा हुआ है जस्टिफाई, जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे, इसकी भी जे यू एस टी आई एफ वाई स्पेलिंग मीनिंग है, तो ये जस्टिफाई इसका नाम है, ठीक है। तब इसकी जे से मीनिंग स्टार्ट है और इसकी कंट्रोल के साथ जे ही शॉर्टकट की है, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे, ठीक, पहले भी बता चुके हैं, कंट्रोल प्लस जे हो या कंट्रोल प्लस ई हो, कंट्रोल और वो ही बटन दबानी है जो प्लस के बाद है, प्लस नहीं दबाना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है कि जस्टिफाई का मतलब क्या है। जस्टिफाई का मतलब है अगर हमने यहाँ पर चार लाइनें लिखी हुई, एक लाइन में 10 वर्ड हैं और एक में 9 वर्ड हैं, या एक में 11 वर्ड हैं, एक में 10 वर्ड हैं, या एक कम हो या एक ज़्यादा हो, तो जस्टिफाई करने पे सेलेक्ट करके अगर जस्टिफाई करते हो तो दोनों लाइनों के किनारे बिल्कुल बराबर कर देगा। जैसे कि ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो, कोई में जैसे ये काली लाइन मतलब बाहर तक है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, क्योंकि जैसे मीनिंग लिखा हुआ है तैसे इसका ये भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है, अगर ये लाइन पूरी लिखी होगी, आप जस्टिफाई करोगे, लाइन में एक वर्ड कम ज़्यादा होना चाहिए, एक या दो वर्ड होगा तो चल जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑफ द, ऑफ और द, अगर दो वर्ड कम है तब भी चल जाएगा। कंप्यूटर का एक वर्ड कम है तो एक ही माना जाएगा, क्योंकि ऑफ द दोनों में जितने अक्षर होते हैं उससे ज़्यादा तो कंप्यूटर में, उससे 3 अक्षर ज़्यादा कंप्यूटर की स्पेलिंग में हो जाते हैं। तो इन वर्डों को देखते हुए वो फिक्स करता है, ठीक है, यही नहीं कि हाँ ये वर्ड था, अब आप एक वर्ड ही एक लाइन में लिख दोगे तो वो कहाँ से फिक्स करेगा, ठीक है, हाँ इसका ही काम। उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग लिखा हुआ है, इन अक्षरों के बीच में देखो, लाइनों के बीच में, इन लाइनों के बीच में जो जगह दिख रही है इसको कम करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा इस लाइनों के बीच को, या अगर लाइनों के बीच को आप कम करना चाहते हैं तो आपको लाइन यानी कि लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे जाना होगा, क्लिक करना होगा और वन पे क्लिक कर दीजिए, कुछ कम हो चुका है, बिल्कुल पास पास करने के लिए फिर से क्लिक करिए। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, सबसे नीचे आ जाओ स्पेसिंग में, ठीक है, यहाँ पर बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है, बिफोर में तो 0 ही है और आफ्टर में 10 PT है, यहाँ पर 0 करना है, ऑटो भी है लेकिन ऑटो नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पर 0 करना है और नीचे ओके कर दीजिए, ठीक है, ये पास पास हो जाएगा, ठीक है। जितना आप पास करना चाहो उतना पास पास ये हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद में आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से क्या है कि जितने में आप कलर लगाना चाहो, जिस लाइन में आपका कर्जर, कर्जर उसको बोलते हैं जो यहाँ पर है, देखो ये आ रहा है और जा रहा है, कर्जर इसको बोलते हैं, ये कर्जर जहाँ पर भी होगा उस पूरी पेज में यानी कि उस लाइन के पेज में पूरे में कलर हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से, ठीक है, इसको शेडिंग यानी कि शेडिंग मतलब होता है कि जो एक लिखा हुआ है उसी में कलर होगा। अभी यहाँ पर क्लिक है, अब हम इस डॉट पे जाएंगे और इनमें से कलर कोई लगा रहे हैं तो देखो एक लाइन में कलर ये कर रहा है। अगर हम कंप्यूटर पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, और फिर से यहाँ पर जा रहे हैं और पीला कलर कर रहे हैं तो देखो ये 2 कलर हुए हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग लाइन में हुए। अगर हम यहाँ पर और कुछ लिखे, अगर कुछ कलर करना चाहें तो यहाँ अगर तीसरा कलर करेंगे तो इसमें से तीसरा कलर हो जाएगा, देख सकते हो, देखो, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगर इस कलर को आप बिल्कुल पेज के साइड तक ले जाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ऊपर ये इंडेंट है, ठीक है, इसको राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट कहते हैं, तो राइट साइड राइट इंडेंट है और लेफ्ट साइड लेफ्ट इंडेंट है। हम राइट साइड को इंडेंट को पहले बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और इंडेंट को बढ़ा के हम लास्ट तक बिल्कुल कर देते हैं, आप लोग देख सकते हो कलर ये बिल्कुल लास्ट तक हो गया है।
पीले वाले कलर पे कंप्यूटर लिखे हुए पे क्लिक करते हैं और फिर से राइट साइड इंडेंट को हम बढ़ा देते हैं। ये देखो कलर पीला वाला लास्ट तक हो गया, पीले वाले कलर पे ही अभी हमारा क्लिक है और हम लेफ्ट साइड का इंडेंट बढ़ा रहे हैं। देखिए कलर आगे तक बिल्कुल पेज के इधर से उधर तक हो चुका है, ठीक है, वेरी गुड। कंट्रोल जेड करेंगे फिर से वर्तमान स्थिति में आ जाता है, कहीं पर भी हो। इनको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर नंबर आता है बॉटम बॉर्डर का, यानी कि बॉर्डर पे जाते हैं और यहाँ से हमें जिस तरह का बॉर्डर लगाना हो हम वो बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर यानी कि बॉर्डर लगा हुआ हट जाएगा, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, ठीक है, इनसाइड बॉर्डर है यानी कि अंदर अंदर, ठीक है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर है, आप जिस बॉर्डर को लगाना चाहो आप उस बॉर्डर पे क्लिक करके बॉर्डर को लगा सकते हो। हम आल बॉर्डर करना चाहते हैं तो हम आल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ नीचे क्लिक करेंगे, आप लोग देख सकते हो सब पे लाइन बन के आ गई, हर लाइन के इधर, ठीक है। अगर हम इंडेंट को बढ़ाएंगे तो बॉर्डर भी बढ़ जाएगा, यहाँ पर देखो नीचे रेड, जो रेड लाइन थी इसका बॉर्डर बढ़ चुका है, ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर कर्जर क्लिक है इसलिए, ठीक है। अगर सबको सिलेक्ट करेंगे तो सबका बढ़ जाएगा, देखिए बढ़ गया ना, राइट साइड हमने बढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद में स्टाइल ग्रुप में हम आ चुके हैं, ठीक है। स्टाइल ग्रुप्स में क्या है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है स्टाइल ग्रुप्स में, इसमें बस ये है कि सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जिसके भी ऊपर माउस ले जाओगे इसमें एक नया फॉन्ट निकलता है, नया स्टाइल निकलता है, ठीक है। आपको जिस तरह चाहिए हो इनमें से आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अभी तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 है, लेकिन यहाँ इसके पास में ये डॉट है जहाँ पर मोर लिखे आता है और जहाँ पे अभी हमारा माउस है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको दबाएंगे यहाँ पर, ये इतने और आ जाते हैं शायद, ऐसे लगभग 15 आ जाते हैं, क्योंकि 16 आ जाते हैं, 7 × 7 हुआ था, 7 × 14 और 2 = 16, ठीक है। तो ये 16 आ जाते हैं, 16 में से आप जिस फॉन्ट पे क्लिक करना चाहो उस पर क्लिक करके वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये चाहिए ये कर दो, देखो ये हो गया, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है इसलिए तुरंत ही बता दिया, आप चेक कर सकते हो अलग अलग जो करना चाहो, ओके। उसके बाद में पीछे चेंज स्टाइल कुछ नहीं है, बस कलर चेंज होता है, फॉन्ट से स्टाइल सेट हो जाता है, कलर हो जाता है, फॉन्ट चेंज आप करना चाहो यहाँ से जा करके चेंज कर सकते हो, और भी मिल जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर कम है, यहाँ पर और ज़्यादा है, देखो, ठीक है, बस इतना है। उसके बाद में फाइंड है, रिप्लेस है, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल है जो कंट्रोल ए, ठीक है, इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, सेलेक्ट ऑल मतलब हम कंट्रोल ए बता चुके हैं और माउस से भी तुरंत हम सेलेक्ट ऑल करना हो तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल नहीं बताना है फिलहाल, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए है वो हम बता चुके हैं, फाइंड और रिप्लेस बताना है। तो हम फाइंड पे क्लिक करते हैं और फाइंड, फाइंड माने होता है ढूंढना, ठीक है, जैसे कि इसमें से हमको आर ढूंढनी है तो फाइंड पे जब हमने क्लिक किया था तो इस साइड देखिए जहाँ पर माउस है इस साइड यहाँ पर फाइंड खुल के आता है, अभी हमने फाइंड पे क्लिक किया, ये देखो खुल के आ गया, ठीक है, नेविगेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें आर ढूंढनी है तो हमें आर को लिखना है और इसके जस्ट नीचे लिखे आ जाता है कृष्णा में है, कंप्यूटर में आर है, चौसार में आर है, हरपालपुर में भी आर है और हरपालपुर में भी आर है, डबल हरपालपुर लिख ना 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 हरपालपुर हरपालपुर डबल आर है, अच्छा हरपालपुर में डबल आर है, ठीक है। देखो हरपालपुर में पहले तो हर में तब भी एक आर आता है और पूर्व एक पीछे उसमें भी आ रहा था, ठीक है, इसलिए दो लिखा है यहाँ पर और हर दो ही में आर है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डॉट भी बन के आ रहा है पीले कलर का जहाँ जहाँ पर आर है, ठीक है। तो फाइंड का मतलब समझ में आ गया होगा, इसको हम काट दे रहे हैं, ठीक है। अब रिप्लेस पे आ जाओ, रिप्लेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि अगर आप आर, अभी जैसे हमने आर को खोजा था और आर की जगह पे हम जेड को करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे आर की जगह पे अगर हमें जेड करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पे फाइंड वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर हम वो वर्ड लिखेंगे जिसकी जगह पे हमें दूसरा वर्ड लिखना है, क्योंकि कोई भी आप सौदा लीजिए और आप उस सौदा को चेंज करना चाहते हो तो पहले आपको वो चीज़ देनी होगी जो आपने पहले खरीदी थी, ठीक है, उसकी बाद ही दूसरी चीज़ आपको मिल सकती है। तो ऊपर तो हमने यहाँ पर देखो आर लिख दिया है, ठीक है, अब नीचे हम जेड लिख रहे हैं और वो भी दो जेड लिख रहे हैं दो बार, ठीक है। और रिप्लेस आल पर हम क्लिक करेंगे, रिप्लेस आल,
एक बार क्लिक करने पर ओके कर दीजिए और इसको काट दीजिए। फिर आप देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी आर थी ना, वहाँ पे डबल जेड आ चुकी है, ठीक है। तो ये है रिप्लेस का काम, ठीक। यानी कि फाइंड माने होता है खोजना और रिप्लेस माने होता है चेंज करना, सीधी बात है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सन 2010 या सन 2007 का होम टैब जो था वो हमने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। फिलहाल एक ये डॉट और यहाँ पर है होम टैब में, ये सब में ही रहेगा, जैसे हम दूसरे में क्लिक करेंगे तब भी रहेगा। ये डॉट जहाँ पे क्लोज बटन है, यानी क्लोज बटन है ऊपर, मिनिमाइज रिस्टोर क्लोज बटन होती है, उसके नीचे एक डॉट बना है छोटा सा, इस डॉट पे अगर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की भी है कंट्रोल प्लस F1, तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये ऊपर जो हमारे टूल बार आते हैं वो सब कट चुके हैं, यानी कि गायब हो चुके हैं, और इस पर जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो टूल बार फिर से आ जाएंगे, ठीक है, फिर से गायब हो जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, इस चीज़ को याद रखना। इसके बाद में अगले वीडियो में आपको इंसर्ट, यानी कि इंसर्ट मेनू बार जो है वो बताया जाएगा, ठीक है। यानी कि इंसर्ट मेनू बार स्टार्टिंग से समझाया जाएगा इससे आगे वीडियो में। ओके, जय हिंद।